अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, आज मैंने एक न्यू स्टाइल की वीडियो बनाई है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो बनाएं जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर शेयर करूं। तो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, तो फिर मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है मेरा और मेरे बच्चों का। सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए ऑमलेट स्टफ्ड पराठा। तो पैन के साइज़ का ही पराठा पहले बना लिया मैंने, अब मैं उसी साइज़ का ऑमलेट बनाऊंगी और उसके बाद उसको उसके ऊपर रख के उसको स्टफिंग उसकी कर दूंगी। तो बस कोशिश ये होती है कि इस तरह का नाश्ता बना के दूं उसको, क्योंकि अभी छोटी है कि वो अपने हाथ से खा ले, या कोई भी खाने की ऐसी चीज़ है कि वो अपने हाथ से खा ले, तो वैसी चीज़ें बना के देती। अब ये पराठा जो है मैं इसके ऊपर रख दूँगी। एक तरफ से ऑमलेट पका है, दूसरी तरफ से मैंने रख दिया है, तो ये खुद ही अंदर कुक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कच्चा रहता है, पक जाता है। ये मैंने एक इंडियन यूट्यूबर की वीडियो में देखी थी, या याद नहीं आ रहा कि क्या नाम था उनका, लेकिन मैंने उसमें देखा था उन्होंने इस तरीके से बनाया था। आप इसमें मज़ीद भी कुछ स्टफिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं या कोई वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। ये जो है इस तरीके से, इस तरह की कटिंग से मैं पिज़्ज़ा कटर यूज़ करती हूँ। पिज़्ज़ा कटर से बहुत इजीली कटिंग हो जाती है। अभी मैं अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उन्होंने फरमाइश की थी उन्हें फ्रेंच टोस्ट खाना है, तो मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने एक अंडा लिया है और मैं एक ही ब्रेड स्लाइस के अंदर वो अंडे की कोटिंग करके एक फ्रेंच टोस्ट बना दूँगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना हैवी हो जाता है कि बच्चे जो हैं वो कंप्लीट वो खा लें, वही बेहतर होता है, बजाय इसके कि दो ब्रेड स्लाइस से बनाऊँ तो वो खा नहीं पाते। तो ये एक स्लाइस के साथ मैंने इस तरीके से बना दिया था। फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, फिर हम लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। इसको भी मैं पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा कटर से कटिंग बहुत इजी हो जाती है, प्रॉपर शेप भी आ जाता है। नाइफ से थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है ये सब करना, बस एक ईजी वे है, अच्छा टूल है, तो उसको पिज़्ज़ा के अलावा और जगह पे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट और अब हम आ गए हैं लंच की तरफ। लंच की तरफ मैंने चिकन चीज़ पराठा बनाया था। इसकी रेसिपी मैं पिछली अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ बस मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने बनाया था। और ये इतना मेरी बेटी को पसंद आया कि उसका हर वक्त, चाहे वो लंच हो चाहे डिनर हो, उसकी बस ये होता है कि आप जो है चीज़ पराठा बना दें, चीज़ पराठा बना दें, मैं वो खा लूँगी। उसको ख़ुद भी अच्छा लगता है कि अपने हाथ से उठा के आराम से खा लेती है, तो इसी चीज़ की बार बार फरमाइश करती है। खैर, ये लिंक मैं दे दूँगी इस वीडियो का जिसमें इसकी एग्जैक्ट रेसिपी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ देख सकते हैं उस वीडियो को। बस सिंपल सी रेसिपी है, दो पराठे, दो छोटी छोटी सी रोटियां बनानी है और उसके बाद स्टफिंग करनी है, फिर उसको ऊपर से बंद कर देना जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं। पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा मैंने ऐड किया है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, वरना बिल्कुल ही फीका फीका होता है, तो वो बच्चे नहीं खाते। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उन्हें थोड़ा सा स्पाइस अच्छा लगता है, मज़े का लगता है, वरना अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप ना डालें, तो वो हल्की सी नमक और काली मिर्च वाला भी खा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बस इस तरीके से आपने करना है, लेकिन तवे पे थोड़ा सा ऑयल पहले ऐड कर लें, वरना ये पराठा बहुत बुरे तरीके से जाकर चिपक जाता है और फैलादा नहीं होता। और हल्का सा ऑयल डालने से इसके थोड़ा सा चिपकता नहीं है, क्योंकि फिर इसको टर्न करना थोड़ा, ज़ाहिर है डबल है स्टफिंग हुई हुई है तो टर्न करना मुश्किल होता है, ऑयल डालने से ये इजी रहता है। चलिए हम वेट करते हैं जब तक कि ये पक रहा है, फिर बताती हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने डिनर में क्या किया था। डिनर के लिए मैंने चिकन स्टेक्स जो हैं उसको पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ है, और उसमें स्पाइसेस जो हैं वो डाले थे मैंने, कि तंदूरी मसाला शान का और दही और जिंजर गार्लिक पीस डाल के चिकन के फिलेस प्रिपेयर करके उसको मैरिनेट करके रख दिया है।
मैरिनेट करके फ्रीज़ किया हुआ है। मैं एक साथ जब बोनलेस चिकन मंगवाती हूँ ब्रेस्ट पीसेस तो उसको करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फिर डिनर मेरे लिए क्विक हो जाता है। बस फिर मुझे साथ में से फ्राइज़ बनाने होते हैं, सॉस बनाना होता है, और जो भी सैलेड हमारे पास अवेलेबल होता है उसके साथ उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो ये चीज़ पराठा रेडी हो गया, इसको भी मैं पिज़्ज़ा कटर से ही काटूँगी और ये प्रॉपर कट्स आ जाते हैं और टाइम नहीं लगता। इसके साथ आप अपने बच्चों को अच्छी सी दही की चटनी बना के दें या कैचअप, जो भी बच्चों को पसंद आता है। ये स्टेक है, ये मैं रेडी कर लिया है। ये सैंडविच मेकर ग्रिल की ऑप्शन भी है उसमें, तो उसके अंदर मैं बना लेती हूँ। एक तो कुकिंग का टाइम हार्डली 1.5 से 2 मिनट हो जाता है, बहुत जल्दी कुक होता है, और ये देखिए ग्रिल मार्क्स कितने अच्छे इसके ऊपर आ जाते हैं। और ये राइस मैंने बना लिए, मैंने साथ में बिल्कुल प्लेन राइस बनाए थे, सिर्फ नमक डाला था और कुछ नहीं। आप गार्लिक राइस बना सकते हैं या कुछ और भी साथ में ऐड कर सकते हैं, या ज़ीरे वाले चावल बना सकते हैं। बस ये इस तरीके से आपने, ये हमारा डिनर हो गया। तो ये तीन ऐसे तीन ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आज। आई होप कि आपको पसंद आता है। पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।